हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो मोदी के सामने नहीं झुकेगा उसे आलोक वर्मा की तरह हटा दिया जाएगा या फिर जज लोया की तरह मिटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को बहाल कर दिया है। इस पर पंजाब के कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह साबित हो गया है कि मोदी सरकार अपने फायदे के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस विधायक ने ट्विटर के जरिए कहा, आज एक बार फिर भाजपा सरकार का सच जनता के सामने उजागर हो गया है। यह तानाशाह सरकार किस तरह संस्थाओं का दुरुपयोग अपने निजी फायदों के लिए करती है। जो नहीं झुकेगा उसे हटा दिया जाएगा या मिटा दिया जाएगा, वो चाहे जज लोया हो या सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा। सत्यमेव जयते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आज सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने के मोदी सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। फैसले के बाद अब आलोक वर्मा सीबीआई कार्यालय में अपना पद संभालेंगे। हालांकि केंद्रीय तत्परता आयोग द्वारा उनके खिलाफ की जा रही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पूरी होने तक उन्हें बड़े नीतिगत फैसले लेने से रोका गया है, लेकिन वे ऑफिस में रोजाना के फैसले ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वर्मा के खिलाफ आगे का फैसला उच्च स्तरीय समिति करेगी। यह फैसला सीवीसी की जांच के आए नतीजों के आधार पर किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि समिति की बैठक एक हफ्ते में बुलाई जानी चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे कोई संदेह नहीं है कि सीवीसी एक्ट में विधायिका द्वारा संशोधन की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, विधायिका को सीबीआई निदेशक के ऑफिस को संरक्षण देना चाहिए। विधायिका को एजेंसी की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। गौरतलब है कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद 23 अक्टूबर को मोदी सरकार ने दोनों शीर्ष अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया था। छुट्टी पर भेजे जाने के बाद आलोक वर्मा ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। सवर्णों को 10% आरक्षण मिला तो हम दलित पिछड़े भी 90% लेकर रहेंगे, देश में बहुजन क्रांति ला देंगे, आरजेडी। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया है। गरीब सवर्णों के लिए 10% का यह आरक्षण 50% की सीमा से अलग होगा। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से चंद माह पहले लिए गए इस फैसले को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इसे चुनावी जुमला बता रही है। हमेशा जात के आधार पर आरक्षण की वकालत करने वाली राजद का कहना है कि कुछ मूर्ख लोग कभी नहीं मिलने वाले 10% जुमले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अरे, ये चुनावी झुंझुना है जो चुनाव तक खूब शोर मचाएगा और इसके बाद सदा के लिए शांत हो जाएगा। ऐसे तो संविधान में प्रावधान नहीं, अगर संशोधन हुआ तो बहुजन भी उसी समय अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण छीन लेंगे। बता दें कि जब से मोदी सरकार ने कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की सीमा को लांघने की कवायद शुरू की है, तब से पिछड़ों के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग तेज हो गई है। 7 दिसंबर को जैसे ही यह बात सामने आई कि मोदी सरकार सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाली है, वैसे ही राशिद ने के तरफ से ट्वीट आया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, भाजपा के संविधान मनुस्मृत में होगा। मोदी सरकार ने सवर्णों को एक और जुमला थमा दिया, भाजपा दलित पिछड़ा विरोधी चरित्र जाहिर। अगर 15% आबादी वालों को 10% आरक्षण मिलेगा तो 70% आबादी वाले पिछड़ों को भी 65% आरक्षण मिले। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट इसलिए सार्वजनिक नहीं की क्योंकि बहुजन समाज की आबादी इसके अनुसार 85% पाई गई। भौचक्की बाजपा इसी वास्तविकता को छुपा
पिछड़ा दलित आदिवासी समाज की हकमारी के लिए नए नए मनुवादी हथकंडे अपना रही है। आज का जुमला उसी दिशा में एक कदम है। अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का हुआ गठन, किसी मुस्लिम जज को नहीं मिली जगह। अयोध्या मामले की सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी। यह सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ करेगी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई करेंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस N.V. रमना, जस्टिस UU ललित और जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। इस पीठ में सभी जज वरिष्ठ हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा इस पीठ में वह 4 जज हैं जो भविष्य में चीफ जस्टिस बनेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पीठ में किसी भी मुसलमान जज को नहीं रखा गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि अयोध्या मामले की सुनवाई अब 10 जनवरी को नई बेंच करेगी। इस पीठ का गठन 10 जनवरी से पहले किए जाने की बात कही गई थी। मंगलवार को इस पीठ का गठन कर दिया गया। अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए गठित की गई नई पीठ में एक भी मुस्लिम जज के ना होने पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यूज 24 के एंकर मानक गुप्ता ने कहा कि पिछली संविधान पीठ में एक मुस्लिम जज थे, लेकिन इस पीठ में सारे जज हिंदू हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नई बेंच में 5 जज हिंदू हैं। पिछली बेंच में एक मुस्लिम जज थे, जस्टिस अब्दुल नजीर, अयोध्या। बता दें कि इससे पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर मामले को सुन रहे थे। 3 जज की इस पीठ ने पिछली सुनवाई को मुश्किल से आधा मिनट में खत्म कर दिया था। सुनवाई में कहा गया था कि नई बेंच अब इस मामले में आगे का आदेश जारी करेगी। आलोक वर्मा की बहाली पर बोले संजय सिंह, भाजपा ने हमेशा CBI को तोते की तरह इस्तेमाल किया है। CBI निदेशक की बहाली के मामले पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी को निरस्त करते हुए वर्मा को बहाल किया है, उसे देख विपक्षी नेता एक सुर में कहने लगे हैं कि आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के पीछे मोदी सरकार की चाल थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, आलोक वर्मा वापस आ गए हैं, अब मोदी राफेल घोटाले में बच नहीं पाएंगे। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि CBI पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में राफेल घोटाले से बचने के लिए CBI पर जो हमला बोला था, उस पर कब्जा करने की जो कोशिश थी, वह पूरी तरह से असंवैधानिक थी, अलोकतांत्रिक, नियमों कानूनों को ताक पर रखकर की गई थी। सिंह ने आगे कहा कि CBI के दुरुपयोग का सबसे ज्यादा उत्पीड़न आम आदमी पार्टी ने झेला है, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, सभी पर CBI का छापा पड़ा है। भाजपा ने हमेशा CBI को तोते की तरह इस्तेमाल किया है। बता दें कि राफेल डील की जांच आलोक वर्मा के अंतर्गत होने वाली थी, मगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने CBI कामों से कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी थी। आलोक वर्मा अपना कार्यभार वापस संभालने जा रहे हैं, पर एक दुखद खबर यह है कि वो इस महीने की आखिर में रिटायर्ड होने वाले हैं। ऐसे में यह स्थिति पैदा ना हो जाए कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को नए CBI चीफ की नियुक्ति पर तक राफेल डील की जांच में इंतजार करना पड़ जाए। आजकल अपने ही मुल्क की सरकार की आलोचना करने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। ऐसा पहले नहीं था, शबाना आजमी। पिछले दिनों जब अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने बुलंदशहर की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार की आलोचना की थी, तभी इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए कहा था कि कुछ लोगों को चुनाव से पहले डर लगने लगता है, यह उनका अपना एजेंडा होता है, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं। अब नसरुद्दीन शाह को अभिनेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद शबाना आजमी का समर्थन मिला है। शबाना आजमी ने कहा कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा वही तो गलतियां बताएगा। आजकल आप कहो कि देश में यह चीज गलत हो रही है तो फौरन आपको एंटी नेशनल करार दिया जाएगा।
पहले की सरकार में भी ऐसी आलोचना होती थी, पर तब इतना शोर नहीं मचाया जाता था। गौरतलब है कि इससे पहले जावेद अख्तर, आशुतोष राणा और स्वरा भास्कर जैसे कलाकारों ने भी नसरुद्दीन शाह का समर्थन किया था, जिस पर सभी ने कहा था कि अगर कोई शख्स अपने देश की मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करता है तो इसमें गलत क्या हो सकता है। बता दें कि बुलंदशहर की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि जिस तरह का आज माहौल देश में बन रहा है, जिसमें एक इंसान से ज्यादा एक गाय की जान की अहमियत है, ऐसी घटनाओं को देख गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।